दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत सरकार ने कई चीनी ऐप्स को बंद कर दिया है और अब पबजी मोबाइल के भी बैन होने की खबर सामने आ रही है। पबजी स्मार्टफोन पर खेले जाने वाली सबसे अधिक पॉपुलर बैटल रॉयल गेम्स में से एक है। दोस्तों, अगर भारत में पबजी मोबाइल बैन होता है तो इसके बाद गेमिंग के शौकीन लोगों के पास 5 अन्य विकल्प बचते हैं। दोस्तों, पबजी मोबाइल न केवल आकर्षक है बल्कि ग्राफिक्स के मामले में भी बेहतर है। गेमर्स के लिए अब भी पबजी मोबाइल लोकप्रिय बनी हुई है, लेकिन यदि इस गेम पर बैन लगता है तो गेमिंग के शौकीन लोगों के पास कौन कौन से विकल्प होंगे? तो दोस्तों, आपको ऐसे 5 गेमिंग ऐप्स के बारे में बताते हैं जो कि पबजी को टक्कर देते हैं। दोस्तों, अगर इन ऐप्स की बात करें तो इनमें शामिल है फोर्टनाइट गेम। के मामले में फोर्टनाइट गेम पबजी के मोबाइल से काफ़ी मिलती जुलती है, हालांकि यह काफ़ी अलग भी है। गेम के पीछे का बेस स्ट्रक्चर पबजी मोबाइल के समान ही है। इस गेम में भी 100 खिलाड़ी फाइट करने के लिए युद्ध मैदान में कूदते हैं। जो लास्ट में प्लेयर बचता है वो विनर कहलाता है। इतना ही नहीं, प्लेयर को खेलने के लिए रणनीति भी तैयार करनी होती है। इसी सीरीज में अब अगर दूसरे अन्य गेम की बात करें तो वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यह गेम 10 साल पुराना है। पबजी मोबाइल और फोर्टनाइट की तरह इस गेम में भी 100 खिलाड़ी बंदूकों के साथ मैदान में उतरते हैं। इस गेम का ग्राफिक्स काफी सुपीरियर या फिर कह लीजिए कि बेहतरीन है। कुल मिलाकर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में काफी अधिक रिफाइंड और फाइन ट्यून्ड गेम है। अब अगर इस सीरीज में तीसरे गेम की बात करें तो वो है गैरेना फ्री फायर। दोस्तों, गैरेना फ्री फायर गेम पबजी मोबाइल से काफी मिलती जुलती है, लेकिन यह गेम प्ले काफी फ्रेशनेस लाती है। खेल में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलों की वजह से खेल खेलने में मजा आता है। हालांकि पबजी मोबाइल जैसे गेम की तुलना में फ्री फायर खेलना बेहद आसान है। दोस्तों, अब अगर इसी सीरीज में एक अन्य गेम की बात करें तो वो है बैटल लैंड 12। अन्य बैटल रॉयल गेम्स की तुलना में ये गेम साइज से लेकर बैटल फील्ड तक साइज में छोटी है। इस गेम में 100 नहीं बल्कि केवल 32 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और वो भी 3 से 5 मिनट के लिए। गेम के साथ कुछ लेटेंसी समस्या है और कभी कभी यह पबजी मोबाइल के मुकाबले ज़्यादा आक्रामक भी लगता है। तो दोस्तों, ये थे पबजी मोबाइल की तरह चलने वाले कुछ ऑनलाइन रॉयल गेम्स, जिनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।